Welcome to all my dear student of class 9. Today's topic is statistics, जिसका first part अभी हम पढ़ेंगे और second part कल पढ़ेंगे. तो second part का जो है वो central tendency mean medium वाला जब यानी part हम कल पढ़ेंगे. बाकी का अदर सारा histogram bar graph जो भी मतलब data representation होता है वो सारा हम आज ही discuss करेंगे. तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. स्टैटिक्स क्या होता है? जनरली स्टैटिस्टिक्स जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मींस क्या स्टेटस है. ठीक है, वैसे स्टैटिस्टिक्स को हम बस ऐसे याद रखेंगे कि ये कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा होता है. बहुत सारा न्यूमेरिकल डाटा होगा जिसको हम कलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में या फिर अरेंज करके रखेंगे, वही सब हमारा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है. अगर हम फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक की बात करें तो स्टेटिस्टिक्स क्या है, ये नंबर ऑफ फैक्ट्स होंगे, इसमें सिंगल ऑब्जर्वेशन नहीं होगा. बहुत ज़्यादा डेटा गिवन होगा, एक ही पर्सन के बारे में सारा डेटा नहीं होगा, बहुत सारे पर्सन के डेटा गिवन होंगे. अगर बात करें तो एक्सप्रेस ये हमें क्वांटिटेटिवली होगा, ना कि क्वालिटेटिवली, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ डेटा होता है तो हम काउंट कर सकते हैं और उनमें बता भी सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं जैसे कि अदर वाला है, और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप भी बना सकते हैं हम. और ये जो स्टैटिस्टिक्स जो बनता है वो हमारा प्री डिटरमाइंड जो पर्पस होते हैं उनके लिए बनाते हैं, मतलब जो पहले हो चुका है उस डेटा का रिकॉर्ड ही कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए डेटा होता है. ठीक है, और स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करें तो फर्स्ट आता है प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जो मैं खुद अपने लिए ही मतलब कलेक्ट करूं. जैसे कि मान लो कि मैं एक क्लास टीचर हूं तो मैं अपने बच्चों का रिकॉर्ड रख सकता हूं कि मेरी सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, किसके कितने नंबर आ रहे हैं. तो वो मैं जो डेटा कलेक्ट करूँगा वो प्राइमरी डेटा होगा. और मैं अपने डेटा को कलेक्ट करके सब्जेक्ट वाइज वो मैं प्रिंसिपल को हैंड ओवर कर दूँ तो ये प्रिंसिपल के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा. अगर रो डेटा की बात करें तो रो डेटा क्या है कि जैसे मैंने मान लो कि क्लास में मेरे पास 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट का अगर मैं मान लो कि मैथ के ही मार्क्स मान लेता हूँ आउट ऑफ 100 में से, तो मैं रेंडमली यानी एक तरफ से पूछते जाऊँगा, किसी का 75 आ रहा है, 96 आ रहा है, 25, 32, 89, तो मतलब ये कोई अरेंजमेंट नहीं है. जो हमें डेटा मिल रहा है एज इट इज वही डेटा हम लिख रहे हैं तो वो हमारा रो डेटा होगा. अगर हमने इसको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या फिर ग्रुप में तो वो हमारा ग्रुप डेटा हो जाता है. नेक्स्ट बात करें तो सम बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनका हमें मतलब डायरेक्टली यूज भी आ जाता है, क्वेश्चनों में भी पूछे जाते हैं. रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो है उसके बीच का डिफरेंस है. क्लास इंटरवल की बात करें तो क्लास इंटरवल कुछ नहीं होता है, जिस ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं तो ईच ग्रुप हमारा क्लास इंटरवल हो जाता है. क्लास लिमिट की बात करूँ तो दो लिमिट होती है, एक तो लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट. ठीक है, ऐसे मान लो कि ऐसे गिवेन है 20 to 30, ये रेंज गिवेन है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लास इंटरवल गिवेन है पूरा, तो 20 मेरा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा, और 30 क्या हो जाएगा, मेरा अपर लिमिट हो जाएगा. क्लास मार्क की बात करें तो इन दोनों को प्लस करो बाई टू कर दो, मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई टू जो वैल्यू आएगी वही मेरा क्या हो जाएगा, क्लास मार्क हो जाएगा. क्लास साइज़ की बात करूँ तो क्लास साइज़ क्या है कि डिफरेंस है लोअर, यानी कि जैसे अगर मैं 20 और 30 की बात करूँ तो 30 माइनस 20 कर दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 10. तो 10 क्या है, मेरा क्लास साइज है, मींस अपर माइनस लोअर, या फिर अपर और लोअर का डिफरेंस ही लेना है तो वो जो मुझे मिलेगा वो क्लास साइज होगा. फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो इन ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ काउंट, मींस के जैसे मैंने बोला कि एज की बात कर रहा हूँ तो अब मैं नाइन्थ की क्लास की बात करूँ तो नाइन्थ क्लास में मैं ऐसे पूछूँ कि
14 एज की, यानी 14 ईयर किसकी एज है, तो मुझे दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट या चार स्टूडेंट कितने भी मिल सकते हैं, तो यो दो तीन चार जो मिल रहा है वही मेरा क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। मतलब कितने टाइम्स मिल रहा है एक ही चीज़, उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, जैसे फर्स्ट के लिए तो फ्रिक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दोनों सेम होगा। अगर सेकंड क्लास के लिए बात करूँ तो फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों को ऐड कर देंगे हम, तब हमें क्या मिलेगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मिलेगा। थर्ड की बात करूँ तो थर्ड प्लस टू सेकंड और प्लस फर्स्ट, तीनों फ्रिक्वेंसी को ऐड करने के बाद मुझे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मिलती जाएगी। एंड ऐसे ही हम करते जाएंगे, जिसको हम सी एफ से भी डोट करते हैं। आगे हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इनका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, बस ये दो फॉर्म होती है। इन दोनों में बस बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि हम जब ग्रुप वाइज में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, तो एक में क्या है कि हम जो हम यूज़ कर लेते हैं अपर लिमिट में, तो नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट नहीं बनाते हैं। पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम वही चीज़ यूज़ भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ 20 है, तो मैंने यहाँ 20 यूज़ किया, 30 30 यहाँ यूज़ किया, 40 40 यूज़ किया। तो जिनमें यूज़ नहीं करते उनको इंक्लूसिव बोलते हैं, और जिनको हम यूज़ करते हैं उनको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसको, कि कुछ नहीं है, हमें सिर्फ एक टेबल बनानी रहती है। जैसे कि 25 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th का मुझे डेटा गिवेन है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि मिनिमम कितना है मेरा, 14 है, और मैक्सिमम मेरा 17 जा रहा है। तो मैंने 14 15 16 और 17, मीन्स इन पूरे का मैंने क्या बना लिया, एज का ग्रुप बना लिया ऐसे कि 14 15 16 और 17। टैली मार्क क्या होता है, टैली मार्क हम ऐसे डिनोट करते हैं, जब 4 तक रहता है तो ऐसे करते हैं, 5 जैसे हो जाता है तो ऐसे कट कर देते हैं, 5 के बाद 6 आएगा तो एक और लिखेंगे 7, फिर 8, फिर 9, और फिर 10 के लिए फिर से कर देंगे 11 12 13 14 और 15 16 17 एंड सो ऑन। तो टैली मार्क को हम किसको लिखते हैं, फ्रिक्वेंसी जो नंबर आते हैं उनको ही हम लिखते हैं। अब देखो फ्रिक्वेंसी क्या है कि 14 हमें कितने टाइम्स मिल रहा है, जहाँ यहाँ से अगर देखो तो 4 टाइम्स मिल रहा है, तो मैं यहाँ से देखो तो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, तो 14 एज जो मेरे स्टूडेंट की है क्लास 9th में, वो 4 बच्चों की है। जैसे 15 की बात करूँ तो 8 बच्चों की है, 16 की बात करूँ तो 10 बच्चों की है, 17 की बात करूँ तो 3 बच्चों की है। टोटल बच्चे मेरे पास कितने हैं, जो स्टूडेंट है वो 25 है। तो बस हमें अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल बनानी है तो हम ऐसे बना सकते हैं। कंटिन्यूस और ग्रो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंटिन्यूस वाले केस में सिर्फ हमारा क्या जाता है, अभी तो हम डिस्क्रीट ले रहे थे तो पॉइंट वाइज ले रहे थे, अब यहाँ पे क्लास इंटरवल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 30 वर्कर का रिकॉर्ड है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 30 to 40, यानी मैं मिनिमम अगर मैं चेक करूँ तो पहले मिनिमम कितना है इसमें, तो मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए 34 देख रहा है, ठीक है 34, और मैक्सिमम देखूँ तो मैं और 90 मैक्सिमम 90 ही दिख रहा है, 90 से ज़्यादा ओके जो भी है 90 दिख रहा है मुझे, ठीक है चलो। तो इसमें क्या करना है, ग्रुप बनाना है। ग्रुप में मैं क्या करी, ये 10 के इंटरवल का मैंने ग्रुप बनाया, जैसे 30 से स्टार्ट किया मैंने, 30 to 40, 40 इंक्लूड नहीं किया है, 40 to 50, 50 इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर 50 to 60, 60 इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर 60 to 70, फिर 70 to 80, 90, 90 to 100, ऐसे लिखेंगे। फिर फ्रिक्वेंसी जैसे हमने लास्ट में किया था वैसे ही करना है, कि 30 to 40 के बीच में कितने आ रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा। देखो एक तो 34 आ रहा है, 34, 31, 36, 3 हुए और 39,
चार हो गए, तो मींस इस ग्रुप में जितने नंबर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, चार वर्कर की वीकली सेविंग वाली आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी मैं सारे ग्रुप के लिए ऐसे निकाल लूँगा और इनके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी, फ्रिक्वेंसी को ही मैं टैली मार्क में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, कंटिन्यूस और ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सी एफ निकल के आता है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। तो जैसे ये दिया हुआ है, मार्क्स के साथ में फ्रिक्वेंसी का डेटा दिया हुआ है, ये हमें डेटा दिया हुआ है, इससे हमें सी एफ निकालना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो फर्स्ट वाले को तो एज ए टिक लिखो, ठीक है, और सेकंड वाले के लिए क्या करो कि इन दोनों का ऐड करके यहाँ पे लिखो, और फिर क्या करो थ्री और फोर का ऐड करके यहाँ लिखो, फिर सेवन और फोर का, मतलब करस्पॉन्डिंग ऐसे हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ये सारे ऐड करते जाएंगे इनको। या फिर देखो कि अगर मैं जीरो के करस्पॉन्डिंग बात करूँ तो एज ए टिक मिलेगा, वन के करस्पॉन्डिंग मीन्स वन के करस्पॉन्डिंग द टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है, थ्री है, तो वन प्लस टू ऐसे भी निकाल सकते हैं। टू के करस्पॉन्डिंग बात करूँ तो वन टू थ्री थ्री फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो यहाँ से देखो वन टू और थर्ड वाली कितनी है, फोर है, तो ऐसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल सकता हूँ। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो लास्ट टर्म आएगा, लास्ट फ्रिक्वेंसी जो आएगी वो टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी के इक्वल ही आएगी। एग्जाम्पल की बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज इन ईयर ऑफ 40% इन ए कॉलोनी इज गिवन बिलो। तो 40% की एज का मतलब डेटा दिया हुआ है जो हमें इस टेबल में दिख रहा है, और हमें निकालना है डिटरमाइन द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास। ठीक है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई टू, दोनों का सम कर देते हैं, बाई टू करके हमें लिमिट यानी क्लास मार्क मिल जाता है। तो इसका कितना आ जाएगा, 20 प्लस 25 बाई टू, तो ऐसे हमें क्या मिल जाएंगे, सारे क्लास मार्क मिल जाएंगे। सेकंड की बात करूँ तो व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास, तो देखो ये पहली क्लास हो गई, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ क्लास ही हो गई, तो फोर्थ क्लास मेरे पास निकल के आया 35 टू 40, 35 टू 40। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या निकालना है, अपर क्लास लिमिट निकालना है, तो 40 क्या हो जाएगा, मेरा अपर क्लास लिमिट हो जाएगा। डिटरमाइन द क्लास साइज, क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर माइनस लोअर लिमिट, किसी भी क्लास इंटरवल ले लो आप और उसमें से निकाल दो, जैसे मैं लास्ट वाले से निकाल रहा हूँ तो 50 माइनस अपर माइनस लोअर कर दूंगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास, ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो हमें 40 स्टूडेंट के मार्क्स का टेबल गिवेन है, जो हमारे ये वाला टेबल गिवेन है, और इसको सॉल्व करके हमने ये टेबल बनाई है। तो यहाँ से देखो इंटरवल को मैं एज ए टिक लिखूँगा, फ्रिक्वेंसी एज ए टिक लिखूँगा, ये जो हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हमें क्या गिवेन है, फ्रिक्वेंसी गिवेन है। ठीक है, तो मैं एज ए टिक पहले क्या लिख दूंगा, सेम फ्रिक्वेंसी लिख दूंगा, फिर दोनों का सम 8 प्लस 3 कितना, 11, 11 प्लस 9 कितना, 20, 20 प्लस 15 कितना, 35, 35 प्लस 5 कितना, 40। तो ये जो टेबल बन के आ गई वो मेरी क्या आ गई, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल के आ गई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात करें तो ये गिवन डेटा कैन बी एक्सप्रेस इन ए ग्राफिकल वे, कोई भी डेटा है जिसको हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये मेरे पास फोर टाइप्स आपके सिलेबस में नहीं है इसीलिए मैंने छोड़ दिया है, तीन ही टाइप आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो पहला टाइप है तुम्हारा बार ग्राफ, सेकंड है हिस्टोग्राफ, और थर्ड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बार ग्राफ की बात करें तो बार ग्राफ कुछ नहीं है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, हमें दो डेटा गिवेन होंगे, एक के करस्पॉन्डिंग में दूसरा का डेटा गिवेन होगा, तो एक एक्स एक्सिस पे हम एक डेटा कंसीडर कर लेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर दूसरा डेटा कंसीडर कर लेंगे, और
रेक्टेंगल की फॉर्म में बना देंगे, और बीच बीच में क्या करेंगे स्पेस, ऐसे सपोज मान लो कि ऐसे बना देंगे, ये डेटा आ जाएगा, फिर कुछ ऐसे आ जाएगा, फिर कुछ ऐसे आ जाएगा। बाद में हम एग्जांपल भी करेंगे। हिस्टोग्राम की बात क्या, हिस्टोग्राम में ये जो गैप दिख रहा है आपको, बस वो गैप नहीं रहता है, तो डायग्राम हम जो बनाते हैं वो ऐसे निकल के आते हैं, ठीक है, इनके बीच में गैप नहीं होता है बस, और सिमिलर होता है बार ग्राफ के। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम दो टाइप से निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग हिस्टोग्राम और विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। तो बस कुछ नहीं होता है, अगर हिस्टोग्राम से निकालेंगे तो इनका क्या ले लेते हैं, हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, हर क्लास का क्लास मार्क ले लेते हैं, तो क्लास मार्क को मिलाते हुए जो हमारा ग्राफ बनता है वही हमारा क्या होता है, फाइनल ग्राफ होता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ है। बार ग्राफ की बात करें तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, और ये जो डेटा गिवेन है हमें 10 to 15 ईयर का गिवेन है, ठीक है, किसी भी टाउन में इलिटरेट पर्सन का है। तो अगर हम देखें तो पहले क्या है? दिया हुआ है हमें एज ग्रुप दिया हुआ है, तो एज ग्रुप में अगर देखूँ तो मैं तो 10 to 16, 17 to, ये ऐसे गिवेन है, और इनके करस्पॉन्डिंग हमें नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन गिवेन है। तो मैं क्या किया कि एक्स एक्सिस पे मैंने कंसिडर कर लिया, एक्स एक्सिस पे मैंने कंसिडर कर लिया क्या, ये एक्स एक्सिस पे मैंने एज ग्रुप कंसिडर कर लिया, और बाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पर्सन इलिटरेट पर्सन मैंने कंसिडर कर लिए। तो यहाँ से देखो कि 10 to 16 वाले क्लास इंटरवल में कितना इलिटरेट पर्सन है, 175, तो मैं रेक्टेंगल फॉर्म से ऐसे डिनोट कर सकता हूँ। फिर कुछ सम स्पेस लूँगा मैं इनके बीच में, फिर नेक्स्ट ऐसी क्लास को मैं रिप्रेजेंट करूँगा, तो ऐसे मेरा जो ग्राफ बन के आएगा उसको मैं बोलूँगा क्या, बार ग्राफ। हिस्टोग्राम की बात करें तो ये सिमिलर है बार ग्राफ के, बस जो बार ग्राफ का हम ग्राफ बनाते थे तो उनके बीच में हम कुछ डिफरेंस लेके चलते थे, और यहाँ पे बस वो डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि 50% के, ये 50% का केजी में वेट दिया हुआ है, तो मींस स्टार्टिंग है हमारा 50 केजी से और लास्ट है हमारा 90, और 5 क्लास इंटरवल से हमें दिया हुआ है, तो इनके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक्स एक्सिस पे क्या किया, वेट ले लिया, और बाई एक्सिस पे क्या ले लिया मैंने, नंबर ऑफ पर्सन ले लिए। तो चूंकि यहाँ पे मुझे पता है कि ये 50 से स्टार्ट है, तो मुझे 0 से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा साइन लगाऊंगा ऐसे ये करके, ठीक है, इसको बोलते हैं किंक, क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं या फिर ब्रेक बोलते हैं, कि हम डायरेक्ट जंप करेंगे। इसका मतलब क्या है, हम डायरेक्ट जंप करेंगे, तो 50 to 55 के करस्पॉन्डिंग में कितने परसेंट, 12%, तो 12% के करस्पॉन्डिंग एक रेक्टेंगल बना देंगे, तो ऐसे ही करस्पॉन्डिंग डेटा से हमें क्या मिल जाएगा, एक हिस्टोग्राम ग्राफ मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, बाय यूजिंग हिस्टोग्राम भी है और विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम है। जब हम हिस्टोग्राम का यूज़ करेंगे तो हिस्टोग्राम में क्या है कि हिस्टोग्राम का हम पूरा डेटा बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे, अपर जो रेक्टेंगल होगा, सपोज ऐसे आया तो इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, ऐसे आया तो इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, तो इनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यूजिंग हिस्टोग्राम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। विदाउट यूजिंग क्या हो जाएगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी यूजिंग पॉलीगन यूजिंग हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूजिंग हिस्टोग्राम, सॉरी विदाउट नहीं है, ये यूजिंग है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये यूजिंग यूजिंग हम क्या कर रहे हैं, हिस्टोग्राम का यूज़ कर रहे हैं पहले। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक डेटा गिवेन है जिसमें हमें मंथली वेजेस गिवेन है और नंबर ऑफ वर्कर है, तो इतने से इतने जो मंथली वेज है वो क्या है,
30 वर्कर की है, इतने से इतनी जो है वो 45, इतने से इतने जो है वो 75, ये 60, और ऐसे ही टोटल हमें ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं मेरे पास, 245। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका हिस्टोग्राम बनाऊँगा। हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर मैं क्या लेके चल रहा हूँ, मंथली वेजेस लेके चल रहा हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ, मंथली वेजेस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में वाई एक्सिस पर क्या लेके चल रहा हूँ, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो मैंने देखा कि मंथली वेजेस जो है वो 325 से स्टार्ट है, तो मैं जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किंग करूँगा, मतलब ब्रेक लूँगा, और डायरेक्ट क्या करूँगा, 325 पर पहुँच जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं हिस्टोग्राम बना लूँगा, मीन्स रेक्टेंगल फॉर्म में बना लूँगा करस्पॉन्डिंग डेटा, जैसे 325 से 350 के बीच में कितने हैं, 30 हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग मैंने 30 बना दिए। अब मैं क्या करूँगा कि इनके मिड पॉइंट निकाल लूँगा, सबका जो ऊपर वाला है, मिड पॉइंट निकालते हुए मैं क्या करूँगा, ऐसे लाइन बना दूँगा। ठीक है, तो ये जो बन के आएगा, जो लाइनें हैं मेरी, या फिर डॉटेड लाइन करके दिखा सकते हैं आप, तो जो ये लाइन बन के आ रही है, बस वही मेरा क्या है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन यूजिंग हिस्टोग्राम है। ठीक है ना, यूजिंग हिस्टोग्राम है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। जब हमारा मतलब हिस्टोग्राम यूज़ नहीं करना है, तब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम क्लास मार्क लेंगे। तो सपोज़ मैंने मान लिया कि X1, X2, X3 क्या है, क्लास मार्क है। क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करके। कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करके। तो हर एक का क्या होगा, क्लास इंटरवल आ जाएगा, जिसको मैंने डिनोट किया X1, X2, X3 अप टू XN। सेकंड की बात करें तो इनके करस्पॉन्डिंग, जैसे फर्स्ट क्लास के क्लास मार्क कितना X1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी F1 होगा, X2 के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी F2 होगा, XN के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी FN होगा। तो एक्स एक्सिस पे मैं क्या लेके चलूँगा, क्लास मार्क लेके चलूँगा, और बाई एक्सिस पर क्या लेके चलूँगा मैं, फ्रिक्वेंसी लेके चलूँगा। तो इनके करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, जैसे X1 के करस्पॉन्डिंग मुझे F1 मिलेगा, तो मीन्स ये क्या बन जाएगा, मेरा एक पॉइंट की तरह वर्क करेगा, मीन्स X1, F1। ऐसी सेकेंड के लिए क्या आ जाएगा, X2, F2 आ जाएगा। ऐसे क्या मिल जाएंगे मुझे, पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इन पॉइंट्स को क्या करूँगा, मैं डिनोट करूँगा और सारे पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो जो लाइन सेगमेंट हमें मिलेगी, वही हमारा क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर डेटा गिविन बिलो विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। तो हमें इसमें भी हिस्टोग्राम यूज नहीं करना है। तो यहाँ से देखो टेबल गिवेन है, तो टेबल से मुझे पता चल रहा है कि क्लासेस गिवेन है 142, 150, 152, 160, 162, 170, 172, 180 एंड 182, 190 एंड 192, 200 ऐसे गिवेन है। तो इनके करस्पॉन्डिंग क्या है, फ्रिक्वेंसीज गिवेन है। तो सबसे पहला मेरा टास्क क्या है, सबसे पहला मेरा जो टास्क है वो है क्लास मार्क निकालना। तो क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, अपर प्लस लोअर, आई थिंक डेटा सम मिसिंग, चलो ये डेटा मिसिंग है। तो 140 से लेके चल रहे हैं, 140 और 150 के बीच में ये ऐसे निकाल लेंगे हम। दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे बाई 2 कर देंगे, इन दोनों को सम करेंगे बाई 2 कर देंगे, सम करेंगे बाई 2 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लास मार्क मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्लास मार्क के साथ में यहाँ से मेरा क्लास मार्क निकल के आया 145, 145 निकल के आया। 145 के करस्पॉन्डिंग कितना है मेरा, फ्रिक्वेंसी 5 है, कितना है 5 है। तो ये पॉइंट मैं क्या कर दूंगा, डिनोट कर दूंगा। एक्स एक्सिस पर मुझे क्या लेना है, एक्स एक्सिस पर मुझे क्या लेना है, एक्स एक्सिस पर मुझे
क्लास मार्क लेना है, क्या लेना है क्लास मार्क, और बाई एक्सिस पर क्या लेना है फ्रिक्वेंसी लेनी है। तो बस ये डिनोट करते चले जाएंगे ऐसे, इसका कितना आ जाएगा 155, 155 के करस्पॉन्डिंग 10, ऐसे ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। इनको मिलाने वाली लाइन क्या बन जाएगी हमारी, हमारी बन जाएगी पॉलीगन, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम।